इस साल के आखिर में झारखंड में चुनाव होने हैं। इसी चुनावी तैयारी के लिए अमित शाह ने झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और ये कहा कि अगर आप एक बार झारखंड सरकार बदल देंगे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को भी हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग तरीके से नकली शादी रचा रहे हैं, हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठी की जगह नहीं है, ये बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। अमित शाह का ये बयान बांग्लादेश के लिए ही था। शाह के इस बयान की बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने निंदा की और ये कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणियों से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर पड़ती है। लेकिन भारत और बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये मुद्दा काफी पुराना है। साल 1971 से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है और आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से पकड़े जाते हैं। 2016 के डेटा की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने संसद को ये बताया था कि बांग्लादेश से आए प्रवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ है, लेकिन CAA और NRC के तहत भारत ने नागरिकता देने की भी पहल शुरू की है। खैर, गृह मंत्री अमित शाह का बयान उस समय सामने आया है जब श्रीलंका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है। जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक बांग्लादेश को भारत समर्थक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में पिछले 3 दिनों से नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी वहां मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच किसी भी तरह की मुलाकात नहीं हुई। इसे भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई तलखी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहिद हुसैन से मुलाकात की है। भारत में पाकिस्तान से उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया और ये बांग्लादेश के लोगों का अपमान है। खैर, पिछले दिनों बांग्लादेश में राष्ट्रगान बदलने की भी मांग उठी थी और इसको लेकर देश ने भारत पर भी आरोप लगाया था। देश के एक पूर्व सैनिक ने यह कहा था कि राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला हम पर भारत ने साल 1971 में थोपा था और ये राष्ट्रगान देश के औपनिवेशिक अतीत को सामने रखता है। इसके बाद बांग्लादेशी सरकार ने राष्ट्रगान बदलने पर साफ इनकार कर दिया था। धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन ने यह कहा था कि बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं पर हुए हमले कुछ और ही बयान करते हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी हिंदुओं के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। बहरहाल, अब ये देखना अहम होगा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सही हैं या फिर नहीं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।